गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। तो दोस्तों, ये सुंदर सुंदर फूलों के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट किया। देखो, ये देखो ऑरेंज कलर पूरा खिला नहीं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और मैं आ गई पीछे वाले बालकनी में, थोड़ा सा बैठूं फिर चलूँगी। और आज का इतना काम, मतलब काम है नहीं। सुबह तो जो हमारे हाउस हेल्पर है वो तो झाड़ू पोछा करके गए थे और बाकी काम मैं करती हूँ, डस्टिंग से शुरू करके बाकी जितना भी काम है वो सब करती हूँ। सिर्फ हाउस हेल्पर है झाड़ू पोछा के लिए, और ऐसे भी वो जाली उली होता है ना दीवार पे, वो भी मैं करती हूँ। वो सिर्फ झाड़ू पोछा, एक एक्स्ट्रा काम भी नहीं करती, मैंने वो उसके लिए एक्स्ट्रा काम है तो नहीं करती। तो ये सारे काम मैं करती हूँ। तो ये थोड़ा सा रेस्ट लूँ फिर चलूँ। सुबह से बहुत भागा दौड़ी हो जाता है तो ये सब कामों में, क्योंकि ये तो डेली का काम है ना, डस्टिंग करना और बाकी ब्रेकफास्ट देना ये सब, और पौधों को पानी देना, ये तो डेली का काम है। फिर भी पीछे वाले बालकनी में मैं तो ये ड्रिप इरिगेशन का पाइप लगा के रखी हूँ। तो कुछ ही पौधे में है, यहाँ पे इतना दूर पौधे में, ये जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो पौधे हैं इसमें है, बाकी उस तरफ वाले में नहीं है। वो हमें देना पड़ता है और सामने वाले सारे पौधे में हाथ से देना पड़ता है, क्योंकि ये जो ड्रिप इरिगेशन है ना, वो पाइप में जो मतलब पतला वाला पाइप जो घुसाना पड़ता है ना, वो मुझसे नहीं होता। तो मैं लोगों को, मतलब हस्बैंड को और अरिता को बोला भी हूँ, लेकिन उनका मेरे काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है उनको। तो जब गर्मी चला जाएगा तब उनको टाइम मिलेगा, यही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ ही पौधे यहाँ पे है उसको मैं हाथ से, जितने भी मोगरे के पौधे हैं, वो जो सीताफल मिर्ची के पौधे कड़ी पत्ता, वो सब हाथ से पानी देना पड़ता है। और ये तो है, फिर भी छत में तो रिया नहीं कर देती है उसका, अगर क्लास ना हो तो, और क्लास हो तो उसके पापा ही जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं छत में पानी दे के आते हैं। लेकिन ना वो रिया छत में पानी देती है ना, तो एक एक पौधे का नीचे जो बिट्स रहते हैं तो उसको वो निकाल देती है, लेकिन मेरे हस्बैंड निकालते नहीं। वो बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर रिया जब उसका ट्यूसडे को छुट्टी रहता है तब वो जाके वो सारे निकालते हैं। तब तक वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना मिट्टी के अंदर, तो वो टूट जाता है बीच में से, पूरा मिट्टी से नहीं निकलता, रूट से नहीं निकलता, निकल पाते। तो फिर मैं जाके किसी चीज़ से उसको थोड़ा सा गुड़ाई करके फिर निकालना पड़ता है। खाना हो गया बेटा? ओके, हाँ बंद कर दो। तो उसका भी ब्रेकफास्ट हो गया, बोल रहा है दूध उबल गया, बंद कर दो। आज मैं ही करूंगी ये न्यूट्रीनगेट्स राइस, तो सोया राइस, तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे नमक से। और नॉर्मल ये रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया, तो आज नहीं करूंगी, मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं डिश वॉशर डिटर्जेंट अभी फॉर्च्यून यूज करती हूँ, मतलब 3 मंथ्स हो गया। तो अमेजोन से वो पांच वाला कॉम्बो पैक लाए थे, तो अभी और 2 महीने, मतलब अगस्त सितंबर चलेगा। और मेरे पास पहले से आईपी मैं रख देती हूँ 1 किलो का पैक,
क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन धोने के लिए वो मैं रखती हूँ। जब भी एल्युमिनियम के बर्तन धुलने देते हैं ना, तब मैं आईपी से धोती हूँ। फॉर्च्यून डिटर्जेंट यूज करके मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिखा रही हूँ आपको एक चीज, ये देखिए कटोरी का हाल। ये फॉर्च्यून से बिल्कुल साफ नहीं होता। इसमें करते हैं क्या, इसमें आमंड भिगाते हैं, मतलब बादाम भिगोते हैं। तो उसमें आप किसी भी बर्तन में आमंड भिगाते हो तो उसमें ऐसे स्ट्रेन आ जाता है। किसी भी बर्तन में, सिरामिक का हो, आपका स्टील का हो, किसी भी बर्तन में। तो ये तो मेलामाइन का है, तो ऐसे दो कटोरी का हालत मेरा ऐसा है, दोनों में भिगाती हूँ। ये देखो इसका भी ऐसा है और ये भी, ये दोनों में मैं भिगाती हूँ। बाकी कटोरी में, बाकी चार कटोरी में मैं नहीं भिगोती। तो उसका हालत भी मैं आपको दिखा रही हूँ। छह कटोरी का सेट है, इसमें चार ऐसे है और दो में आमंड भिगाती हूँ, तो दो का हालत ऐसा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाऊंगी इस कटोरी को जो ज्यादा गंदा है, इस कटोरी को 3 दिन मैं आईपी डिटर्जेंट से धोऊंगी। धोने के बाद इसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब देख सकते हैं, मैं तब दोनों कटोरी दिखाऊंगी, ये वाला और ये वाला। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मेरा भी एक्सरसाइज हो गया। अभी मैं चलूँगी घर की तरफ। मुझे थोड़ा सा जाना है मार्केट, तो वहीं पे जाऊँगी। थोड़ा सा मटन लेना है, तो आज के लिए नहीं, मटन लेंगे कल के लिए, तो आज ही लेके चलते हैं। क्योंकि कल शॉप खुलने के बाद जब मटन आता है तो बहुत लेट हो जाता है, तो आज ही ले लेते हैं। मेरा हालत देखो, एकदम पसीने पसीने, एक्सरसाइज करने के बाद ना पूरे मतलब नहाया हुआ है पसीने से एक्सरसाइज में। चलो चलती हूँ। इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं चले आई ये पार्क में, थोड़ा देर बैठ के ठंडा हो लूँ, फिर जाऊँगी मार्केट की तरफ। और मार्केट से ऐसा कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा मटन लेना है और दही भी लेना है। लेकिन दही जब कल दूध देने आएगा ना, तभी बता दूँगी दही। और इस पार्क में ना छोटे से बड़े कितने लोग आए हुए हैं, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई खेल रहा है, बच्चे से बूढ़े सब यहाँ पे घूम रहा है, खेल रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे ना फुटबॉल और क्रिकेट की कोचिंग होता है, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी इंस्ट्रक्टर या स्टूडेंट को। शायद कोरोना की वजह से अभी ये खुला हुआ नहीं है कोचिंग सेंटर। तो ऐसे ही सब घूमने आए हैं, घूम रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो ग्रीन ग्रीन घास है ना, देख के भी आँखों को ठंडक पहुँच रहा है। सच में इतना सुंदर लगता है ना, मन को शांति मिलता है। थोड़ी देर बेंच में बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठे रहने के बाद मैं जाऊँगी घर की तरफ, नहीं नहीं मार्केट की तरफ। चलो थोड़ी देर बैठ गए, ठंडा हो लिए, अब चलती हूँ मैं।
चलो मिलते हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे केला हुए हैं, देखा, ये देखो केला, बहुत सारे केला। यहाँ का जो गार्डनर है ना, वो ये सब लगाते हैं। ये थोड़ा सा आउट अंदर की तरफ ये केला पपीता ये सब लगाते हैं अपने लिए। कुछ कुछ सब्जी भी उगाते हैं, पहले भी देखा है। ये देखो गुलाब, बेबी पिंक कलर। छोटी सी खजूर का पेड़ है गमले में लगा हुआ, और उसमें देखो कितने सारे छोटे छोटे खजूर लगे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये सच में। मटन ले लिया, डिक्की में रख दिया, अब चलती हूँ घर। चलो यहाँ पे खजाना है, खजाना मेरा मैट है, पानी का बॉटल और क्या क्या पता नहीं यहाँ पे। ये बाकी मेरे हस्बैंड का है, ये मैट सिर्फ मेरा है, योगा मैट। नहा धो के फ्रेश होके मैं आपके सामने आ गई, और अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी जो मैंने सुबह बताया था, वो आमंड भिगोते है ना, उस कटोरी का हालत। तो मैंने 6 कटोरी का सेट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, पूरा कटोरी का सेट। 4 तो साफ था, लेकिन 2 में जिसमें आमंड भिगोते थे वो उसका हाल बुरा। मैं फॉर्चून डिटर्जेंट यूज करती हूँ अभी कुछ महीनों से, क्योंकि मैंने कॉम्बो पैक खरीदा था, तो वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरे नहीं ला सकते। तो मेरे पास जो पहले से है आईपी डिटर्जेंट, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आईपी डिटर्जेंट का 3 दिन का चैलेंज लूंगी, देखते हैं ये बादाम का जो दाग है तो जाएगा या नहीं, क्योंकि फॉर्चून में तो नहीं जाता। ऐसे भी मैं हाथ से भी प्रील या विम बार से धो या विम लिक्विड से, उसमें भी नहीं जाता उसका दाग। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ओ बॉल जो मेरा माइंड का है, तीन इसमें धोने के लिए दिए थे, लेकिन ये तो साफ ही था। ये जिसमें आमंड था वो वाला, उसमें आप देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, थोड़ा सा एकदम। और इसको देखो जो ज्यादा था, मैंने आपको बताया था 3 दिन का चैलेंज लूंगी, लेकिन ये तो 1 दिन में ही साफ हो गया। और बाकी 3 कटोरी मैं दिखाती हूँ, अगर 6 कटोरी दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो दोस्तों, ये 6 कटोरी है, तो ये 4 तो मैंने आमंड के लिए यूज नहीं करती, पर ये दोनों को यूज करती हूँ। और इसका थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, हल्का सा यहाँ पे। और ये जो है ना, इसका देखो क्या हालत था, 1 दिन में ही साफ हो गया। अगर मैं रात में भी इसको आईपी डिटर्जेंट से धोने देंगे तो ये पूरा साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितने तरह के दाग धब्बे मैंने 3 डिटर्जेंट यूज किया, फॉर्चून फिनिश एंड आईएफबी, बट बेस्ट है आईएफबी मुझे पाया अभी तक। और इसका तो आप देख ही सकते हो, थोड़ा बहुत लगा हुआ है, कल होने के बाद मैं फिर से आपको दिखाऊंगी जे ये पूरा गायब हो गया या नहीं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे
एक नए ब्लॉग के साथ कल दोपहर 2 बजे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट जो भी हो वो मुझे उत्साह देते हैं नए नए वीडियो लाने की। तो दोस्तों आज ही पे विदाई लेते हैं, फिर आएंगे कल दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।